नमस्कार, कॉमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। और आज देखनी होगी मार्केट की ओपनिंग, क्योंकि कल एकदम से हायर लेवल्स पे सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। सुबह से मजबूती थी, लेकिन क्लोजिंग देखिए आप, ये लाल निशान में होती हुई नजर आई। एक सरप्राइज मूव था क्रूड में भी, क्योंकि जो इन्वेंट्री फिगर्स थी यूएस में वो बढ़कर आई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे क्रूड चढ़ गया और साथ ही साथ घरेलू बाजार पे भी कीमतें लगभग 70 रुपये मजबूत होती हुई नजर आई। लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज 1/4% के आसपास की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शुरुआती सत्र में आपको देखने को मिले। इंपॉर्टेंट है, आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक भी है, ब्याज दरों में बदलाव का अनुमान नहीं है और बाजार की जो नजर है वो यूएस के महंगाई आंकड़ों पर भी है। मेरे साथ माधवी मेहता जी, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट कोटक कॉमोडिटीज के, और तरुण सत्संगी ग्लोब कॉमोडिटीज से जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले तरुण, आज के दिन के लिए पोजिशन जिनके पास प्रेशियस मेटल्स की, उनको क्या करना चाहिए? ये हायर लेवल्स पर थोड़ा स्लिप हुआ और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा है। हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, अंडरटोन अभी भी नेगेटिव है। हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड, क्योंकि अभी जो सेफ हेवन डिमांड है वो रिड्यूस हुआ है एंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्की एसेट क्लास के अंदर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव लेवल। हमको लगता है नियर टर्म में 1310-1305 तक गोल्ड के प्राइसेस आ सकते हैं एंड इवन डोमेस्टिक बोर्सेस में भी जब तक 30,100 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे देर इज स्ट्रॉन्ग चांस कि मार्केट धीरे धीरे करेक्ट करें एंड 29,650-550 के आसपास प्राइसेस आ सकते हैं। अच्छा माधवी जी, आपको भी लगता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन थी वो कम हुई है, उसका असर अब सोने चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग जी, जैसे कि हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया को लेकर जो कंसर्न था वो ईज हुआ है, पर उससे ज्यादा मुझे लगता है जो डॉलर में भी रिकवरी आई है या गोल्ड में भी करेक्शन आया है वो नेक्स्ट वीक की फेड की मीटिंग के पहले पोजीशन स्क्वेयरिंग हो रही है। तो उसके रहते हुए मुझे लगता है आज, क्योंकि पूरा फोकस सीपीआई नंबर पर है, उसके पहले शायद थोड़ा बहुत वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, इसलिए इंट्राडे में अभी भी गोल्ड और सिल्वर सेल करके चलने की सलाह दूंगी। जहां तक गोल्ड की बात करें, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 29,920 के आसपास सेल कर सकते हैं, टारगेट अराउंड 29,700 का रहेगा, स्टॉप लॉस 30,050 का मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर भी देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, पर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अभी भी वीक लग रहा है, तो मे बी डिसम्बर कॉन्ट्रैक्ट 41,250 के आसपास सेल कर सकते हैं, टारगेट होगा 40,850 का और स्टॉप लॉस 41,500 का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बार देखना होगा कि बेस मेटल्स की ओपनिंग कैसे हुई है, क्योंकि कल के सत्र में बिकवाली थी और दिन भर बिकवाली देखी। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, लेड और जिंक, जिसमें निकल लगभग 4% का गोता लगा गई कल के सत्र में। बिकवाली हार रहे उस पर देखने को मिल रही थी और यही 4% की बिकवाली कल के सत्र के जो आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली के पीछे कारण क्या तरुण जी, और हो सकता है कि यहाँ पर आज के सत्र में कुछ निचले स्तरों से खरीदारी बन जाए? अभी भी हमें ऐसा लगता है जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कंटिन्यू करेगा एंड जिस तरीके से मार्केट ने लास्ट फ्राइडे से टिल नाउ 1 वीक के अंदर करेक्शन दिया, इट इज इंडिकेटिंग कि मार्केट में जो टॉप है वो शॉर्ट टर्म के लिए बन चुके हैं। कॉपर और निकल में ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है नियर टर्म में। कॉपर 410-405 के आसपास पर प्राइस स्लाइड हो सकते हैं। अरुण, एक बार ये मार्केट ओपनिंग हो गई है, फटाफट से कुछ आंकड़े यहाँ पर बता दूं। M6 क्रूड जो है फ्लैट ओपन हुआ है, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, वो इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार पे जिस तरीके की कीमतें कल उछल गई थी, आज थोड़ा सा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। घरेलू बाजार पे कीमतें 4 रुपए नीचे हैं, कल की क्लोजिंग के हिसाब से 3,157 का मौजूदा लेवल, अब 5 पॉइंट्स डाउन, तो कोई बहुत अच्छी ओपनिंग नहीं कह सकते। अब चांदी देखिए आप, 125 पॉइंट्स डाउन, ये अब 1/4% ज्यादा की गिरावट हो चुकी है और अब लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा माना जाएगा जब प्रेशियस मेटल्स पे हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। गोल्ड 46 रुपए की डाउनसाइड इस समय शो कर रहा है और ये शुरुआती टिक्स हैं आपकी स्क्रीन पे, 29,840 का मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा बेस मेटल्स एज अ पैक कैसे रिएक्ट करेंगे, कि अब कल के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली थी, आज के सत्र में अब देखना होगा कॉन्टिन्यूएशन सेलिंग है कि नहीं। M6 कॉपर फ्लैट ओपनिंग कहूंगा मैं, इतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं है कल की तुलना में, 423.55 का मौजूदा स्तर है आधे इनफैक्ट यहाँ पर। और साथ ही निकल, कल सबसे ज़्यादा टूटने वाली कॉमोडिटी यही थी, इसकी भी ओपनिंग थोड़ी लाल निशान में ही होती हुई नजर आई है, लेकिन बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है। M6 जिंक पर संभल कर यहाँ पर ट्रेड करें, ये बिकवाली होती चली जा रही है इस कॉमोडिटी में, आज माइनर हरे निशान में ट्रेड कर रहा है ये अभी। M6 लेड जो है उसमें बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई है, तो बेस मेटल्स में जो रफ्तार थी कल टूटने की आज वो थमी है। M6 एल्यूमिनियम 134.75 का मौजूदा स्तर, यानी कि 0.5% के अब गेंस दिखाई दे रहे हैं। ग्वार सीड अट्रैक्टिव बेट थी कल, अब 0.5% की गिरावट के साथ NCDX पर ओपनिंग हुई है, 22 रुपये नीचे है ये कॉमोडिटी और यहाँ पर आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग है। ग्वार गम में भी 68 रुपये की गिरावट हो चुकी है
0.1% के आसपास की गिरावट शुरुआती टिक्स में दिखाई देगी आपको, 8,200 के करीब ट्रेड हो रहा है। जीरा अट्रैक्टिव कॉमोडिटी लग रही है अभी, 25 रुपये की स्ट्रेंथ शो कर रहा है और यहाँ पर हल्की गेंस देखने को मिल रहे हैं शुरुआती टिक्स में। टर्मरिक में 64 रुपये की गिरावट है, 1/4% के आसपास की गिरावट NCDEX पर आ चुकी है और धनिया जो है यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है, कोई ऐसी कॉमोडिटी दिखाई नहीं थी जहाँ पर बहुत स्ट्रांगली गेंस मिल रहे हो। सोयाबीन कल भी अट्रैक्टिव था, आज भी 9 रुपये की चाल पॉजिटिव साइड पे इस कॉमोडिटी पे देखने को मिल रही है। और सोया ऑयल में भी 5 रुपये के गेंस दिखाई दे रहे हैं, 1/4% के इनफैक्ट 0.1% के आसपास की तेजी। मस्टर्ड में 44 रुपये के गेन है, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, 1% के आसपास के गेंस दिखाई दे रहे हैं। तो मस्टर्ड पे अच्छी तेजी बनी है शुरुआती सत्र में। अब बताएं यहाँ पर तरुण जी, ये जो क्रूड पे आज के सत्र में बिल्कुल फ्लैट कारोबार, फ्लैट शुरुआत हुई है, ये बिकवाली अभी और बढ़ सकती है क्या हायर लेवल्स पे? सी क्रूड के केस में हमने देखा है कि एक्टिविटी काफी नैरो हो गई है। नियर टर्म में देखा है $45.50 से $50.50 के बीच में प्राइस मूव कर रहा है। हमारा ऐसा माना जाता है कि रेंज का ब्रेक नहीं होगा तो जो ब्रिस्क क्रॉस है वो कंटिन्यू करेगा। कल डिस्पाइट द नेगेटिव इन्वेंट्री नंबर प्राइसेस अप गए हैं, उसके पीछे IEA का जो डिमांड आउटलुक आया था फॉर 2017 वो काफी पॉजिटिव था। एज हैविंग सेड दैट की डिमांड 2017 में ऑलरेडी 3 इयर्स के हाई पर है एंड जो इन्वेंट्री के नंबर्स है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन से ही, क्योंकि आफ्टर रिसेंट हरिकेन सर्टेनली जो US के अंदर रिफाइनरीज है वो बैक टू नॉर्मल कंडीशन में नहीं पहुंचे हैं। सर्टेनली गैसोलीन का इन्वेंट्री माइनस एंड क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री प्लस में आने का चांस था, जिस वजह से मार्केट ने वंस अगेन ज्यादा रिएक्शन उस पर नहीं दिया। EIA का जो मंथली रिपोर्ट आया उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस शिफ्ट किया। हमारा ऐसा मानना है कि आई थिंक MCX काउंटर में भी 32.10 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस आज देखे जा सकते हैं। माधवी जी, 59 लाख बैरल ये आंकड़ा आया है, इनफैक्ट जो बढ़ोतरी देखने को मिली है US में पिछले हफ्ते क्रूड इन्वेंट्री की, उसके बावजूद कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें उछल गई थी, ये इस कॉमोडिटी को ट्रेड कैसे किया जाए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ? जी, जैसे कि देखा जा रहा है क्रूड में काफी मिक्स्ड फैक्टर्स है। अभी जो बताया गया कि ये का नंबर्स काफी पॉजिटिव आए, इक्विटी US इक्विटी रिकॉर्ड हाई लेवल पे है और एट द सेम टाइम जो है US का क्रूड स्टॉक्स बढ़ के आए हैं, पर उसके बावजूद जो मार्केट में मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी शायद प्राइसेस $50 एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3135 के पास बाय किया जा सकता है, टारगेट 3195 का रहेगा और स्टॉप लॉस 3105 का मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा तरुण जी, फटाफट से, आज प्रेशियस मेटल्स की शुरुआत धीमे नोट पे हुई है, वो इसलिए भी क्योंकि शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब कामकाज कर रहा है और इन्वर्स कोरिलेशन होता है, ये कीमतें और टूट सकती हैं क्या आज के सत्र में? जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, देखिए शॉर्टर टर्म में करेक्शन लग रहा है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, गोल्ड 1310-1305 तक आ सकता है, बट गोल्ड में अगर लंबी अवधि के लिए वीकनेस आना है तो उस केस में $1300 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको ब्रेक करना चाहिए, जो कि लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था अर्लियर। जब तक उसके नीचे नहीं जाएंगे आई थिंक गोल्ड में जो भी करेक्शन होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा और लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम 1375 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर सकता है, जो कि लास्ट ईयर के नवंबर के हाई है। आई थिंक 1300 टू 1375 रेंज है जिसमें हमको एक्टिविटी होते हुए दिखती है एंड नियर टर्म में क्योंकि अभी रिस्क ऑन सेंटीमेंट है तो सर्टेनली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा इस काउंटर के अंदर। इवन इन केस ऑफ सिल्वर दो रेंज बाउंड हो गया है, MCX में अगर 40,890 के नीचे आज प्राइस जाते हैं देयर इज अ चांस कि 500 टू 800 पॉइंट्स का वन साइडेड करेक्शन इस काउंटर के अंदर देखने को मिले। शॉर्टर टाइम में हम सेलिंग साइड में बने रहने की सलाह देंगे इस काउंटर के अंदर। माधवी, आखिरी प्रश्न होगा आपसे, बेस मेटल्स बता दीजिए एक कॉमोडिटी और आज की पोजीशन उस काउंटर पे कैसे बनाएंगे आप? बेस मेटल्स में मुझे लगता है कॉपर में अभी भी वीकनेस है, आज का जो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या रिटेल सेल्स का जो डेटा है वो भी काफी खराब आया है, तो उसके रहते हुए मुझे लगता है आज भी बेस मेटल्स रिलेटिवली नेगेटिव टोन में ही रहना चाहिए। ऑफ द लॉट कॉपर मुझे लगता है अभी भी वीक है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 425 के आसपास सेल कर सकते हैं, टारगेट 418 का रहेगा और स्टॉप लॉस 429 का मेंटेन कर सकते हैं। आपकी अप्रोच क्या होगी तरुण जी बेस मेटल्स पे आज के लिए? कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरे को कॉपर और निकल ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इनमें हो सकता है ज्यादा वीकनेस शॉर्टर टर्म में देखने को मिले। निकल अगर 720 के नीचे स्लिप करता है तो पॉसिबिलिटी है 1680-670 तक प्राइस देखने को मिले। कॉपर में भी हम वंस अगेन आई थिंक 405 तक के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। इवन 45 रुपीज का रिकवरी भी आता है बिकॉज ऑफ द रिलीफ रैली, वो शॉर्ट लिफ्ट होगा, वहां पर शॉर्ट करना बेनिफिशियल रहेगा।
एल्यूमिनियम रेंज बाउंड है 132-135.50 के बीच में। इसमें हम ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि आउटलुक जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है। जिंक एंड लेड के केस में लेड जब तक 147.50 के नीचे ट्रेड कर रहा है आई थिंक बायस जो है वो नेगेटिव टिल्टेड रहेगा एंड पॉसिबिलिटी है 140 तक प्राइस देखने को मिले। इवन जिंक के केस में जब तक 199 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे ट्रेडर्स को सेलिंग साइड में रहना चाहिए। 196-197 सेलिंग जोन है एंड हमको ऐसा लगता है ये 190-188 के टुवर्ड्स प्राइसेस देखने को मिलेंगे एंड उनके टुवर्ड्स प्राइसेस हेड करेंगे आने वाले एक दो दिन के अंदर। राइट, बहुत शुक्रिया तरुण आपका, मेरे साथ माधवी जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए कमोडिटी मार्केट पे चर्चा करने के लिए। लेकिन 11:30 बजे आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और दो बाजार के बड़े जानकार कुणाल शाह निर्मल बैंक से और अमित सजय मोतीलाल ओसवाल से मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और जानने की कोशिश करूंगा ये मेटल्स में जिस तरीके की बिकवाली है क्या वो थमेगी इन स्तरों पर और सोने चांदी पे आउटलुक क्या रखा हुआ है। चलिए फिलहाल शेयर बाजार कहीं लोग रुक करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों के करीब है मार्केट में। आज देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि बेस मेटल्स पे बिकवाली देखने को मिल रही है, आज प्रेशियस मेटल्स टूट गए और इक्विटी तेज है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मार्केट में मोमेंटम अच्छा है रजत। निफ्टी अभी भी 40 पॉइंट ऊपर 10,118 पर है और 8-10 अंकों के गैप से एक बार तो ये चूका है हाई बनाने से, लेकिन उम्मीद बनी हुई है कि बुलेट ट्रेन के शिलान्यास के साथ साथ निफ्टी भी आज एक बुलेट मूवमेंट दे ही देगा और नया हाई बना देगा। तो इस पर तो हमारी नजर है ही, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करने वाले हैं शिलान्यास से पहले बुलेट ट्रेन के। लेकिन हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, शाहिना मुकदम है हमारे साथ और साथ ही रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है। तो स्टॉक्स हेल्पलाइन की शुरुआत करते हैं और क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, मुंबई चलते हैं। मुंबई से दिनेश हमारे साथ हैं, हमारे पहले दर्शक। दिनेश, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरे पास डीवी रियल्टी है सर 2500 से। अच्छा हाँ, 62 के भाव से लिया हुआ है, क्या करूँ? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 62 का, अब ये है 40 के आसपास फिलहाल। शाइना मॉर्निंग टू यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दिनेश हमारे साथ हैं मुंबई से, 62 पर लिया है इन्होंने डीबी रियल्टी, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी रखना चाहिए इनको, वैसे तो लॉसेस है कंपनी में तो इतना कुछ फंडामेंटल तो है नहीं, और दूसरी बात उनका अगर डेट देखे तो डेट इक्विटी भी हाई है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये अभी स्टॉक फिर से अपसाइड पे है तो रखना चाहिए। आई वुड गिव अ टारगेट ऑफ समथिंग लाइक 50 रुपीज, यहाँ पर वो निकल सकते हैं फिर से और एक बार 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए अब दिल्ली से हरिंदर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हरिंदर गुड मॉर्निंग। हरिंदर जी हेलो। यस नमस्कार हरिंदर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी। चलिए क्या सवाल है आज का? ऐसा सर, मैंने एक महीना पहले जो टाटा मोटर के शेयर लिए थे 435 शेयर 464.90 रुपए के हिसाब से, ओके ये बहुत इसमें लॉस हुआ, फिर उसके बाद ये बॉटम पे आ गया था 375 पे, तो तब मेरे को किसी ने उन्होंने आइडिया दिया था भाई इसके और शेयर खरीद लो, 210 शेयर मैंने और खरीद लिए थे इनके, ओके बैलेंस करने के लिए। अब बताओ मुझे ये कब तक कैसा हो सकता है, इसका कैसे निकला जाए? अच्छा चलिए रुचित, टाटा मोटर्स आपको चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? ये ऑल्दो पिछले एक साल में देखे तो ओवरऑल ऑटो स्पेस में एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, बट लेकिन मेरे ख्याल से अभी करेक्शन के बाद में ये अभी कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है। ये कंसोलिडेशन का हायर एंड लगभग 415 से 420 की रेंज आ रहा है, तो जो अगर इनका शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया है तो फिलहाल ये होल्ड करें इस स्टॉक को, लेकिन 415 420 के आसपास आता है तो वहाँ पर एक बार एग्जिट भी ले सकते हैं। अब सूरत चलते हैं, सूरत से देव हमारे साथ हैं। देव मॉर्निंग टू यू, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? देव शायद संपर्क टूट गया है देव से, लेकिन उनका सवाल था मोंटे कार्लो पे और 395 रुपए पर इनके पास मोंटे कार्लो है। शाइना क्या सलाह होगी आपकी, इन्हें फिलहाल फायदा हो रहा है, इट्स ट्रेडिंग एट 503, क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए, मेरा टारगेट रहेगा 640
और स्टॉप लॉस रहेगा 450. यहाँ पर मेन रीजन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट टू टाइम सेल्स. तो ये ब्रांड के हिसाब से काफी अच्छा है और एबिटा टू ईवी टू एबिटा भी एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स अबाउट 14 times. तो मैं जरूर होल्ड दूंगी ये स्टॉक पे. चलिए एक SMS भी आया हमको विजय का, मथुरा से भेजा है इन्होंने. इनके पास M&M के शेयर्स हैं, 60 shares हैं, 1392 पर लिए हैं इन्होंने. शाहिना M&M, M&M यहाँ पर मेरे हिसाब से स्विच करना चाहिए. जरूर थोड़ा बहुत अभी इसमें रैली दिख रहा है हमको, क्योंकि जो नंबर्स आए थे, जो लास्ट मंथ अगस्त के नंबर्स थे, वो बहुत अच्छे थे, मच बेटर देन M&M ने बहुत टाइम से दिखाया हुआ है. बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से ये लेवल पे कंसोलिडेट करेगा. इन फोर व्हीलर बहुत अच्छे दूसरे स्टॉक है, तो मैं स्विच की सलाह दूंगी. मे बी स्विच एट 1450 के लेवल तक स्विच करे, और 1250 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. इस बीच एक SMS हम लेते हैं. हमें SMS भेजा है मथुरा से विजय ने, और इनके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स हैं रुचित, एट द रेट ऑफ 1392. थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इन्हें, क्या करना चाहिए? M&M की जैसे बात करें तो एक कंसोलिडेशन फेज में अभी नो डाउट है ये स्टॉक. वीकली चार्ट्स पे देखें तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, उसका सपोर्ट लगभग 1275 के आसपास है. तो जब तक ये 1275 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक एक बाउंस बैक की पूरी संभावना है यहाँ से. तो मेरी सलाह रहेगी कि फिलहाल होल्ड करें 1275 का, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में मेंटेन रखें. चलिए अब आकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से ही. आकाश गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, क्या हाल है आपका? ठीक है सर. मेरे पास सल्ला सॉल्यूशंस के 200 शेयर्स हैं, तो उसके क्या 35.65 के रेट से, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या करूं, उसको होल्ड करूं या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया? ओके रुचित, तानला सॉल्यूशंस. देखिए तो जनवरी महीने से ही मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में इतनी अच्छी तेजी आई है, और उसमें अगर ये तनला सॉल्यूशंस की बात करें तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया ये स्टॉक ने. तो जहाँ एक इतना अच्छा बुल मार्केट है, उसमें भी अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक से जनरली दूर रहना चाहिए, वही एक अच्छी बात रहती है. बाजार में दूसरे कई स्टॉक्स अवेलेबल है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं. तो आई थिंक तनला सॉल्यूशन से इनको यहाँ पे एग्जिट कर लेनी चाहिए. शॉर्ट टर्म में भी ऐसे कोई संकेत नहीं है वॉल्यूम्स को देखते हुए कि यहाँ से कोई सिग्निफिकेंट अपमूव रहेगा. अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई अल्टरनेट चाहते हैं तो DCB बैंक बाय कर सकते हैं. ये स्टॉक हमें लग रहा है कि एक बार ये 193 का लेवल पार करता है तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स वहाँ से दे सकता है, जिसमें अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है. तो तनला सॉल्यूशन से एग्जिट करें, और अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही कुछ स्विच करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो DCB बैंक बाय कर सकते हैं. इस बीच पुणे चलते हैं. पुणे से मिस्टर सौंदनकर है हमारे साथ. मिस्टर सौंदनकर मॉर्निंग टू यू, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, मेरे पास साधना नाइट्रो है सर. अब साधना नाइट्रो 100 है, 70 के ऊपर लिया है सर. अच्छा, हेलो, और आपने लिया क्यों था ये? अभी एक 15 दिन पहले लिया था. और दूसरा SLS फार्मा है सर, मेरे पास 94 से लिया हुआ है, 300 शेयर सर. एक बार अभी के लिए तानला सॉल्यूशंस पर बात कर लेते हैं. रुचित, तानला सॉल्यूशंस इनके पास है, क्या सलाह होगी आपकी? तनला की जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, तो आई थिंक जो अगर इनके पास भी अगर तनला सॉल्यूशंस के शेयर्स है तो यहाँ से एग्जिट ही ले लें. हमारे साथ टीटागढ़ वैगन्स के मिस्टर चौधरी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनसे बात करते हैं. और ये सीधे दृश्य आप इस समय देख रहे हैं शिलान्यास के, जो कि आ रहे हैं अहमदाबाद से शिलान्यास के लिए बुलेट ट्रेन के. एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस समय हुआ है सीधा बहुत बहुत बधाई अहमदाबाद में. ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं महात्मा गांधी स्टेडियम से, जहाँ पर देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है. और ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली है ये बुलेट ट्रेन.
और 15 अगस्त 2022 को ये लॉन्च होगी। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं इस समय वहां से। हमारे साथ मिस्टर चौधरी हैं फ्रॉम टीटागढ़ वैगन्स। सर मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो बधाई हो आपको भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एंड आई वुड से रेवोल्यूशनरी ट्रेन प्रोजेक्ट आज इसका शिलान्यास हुआ है अहमदाबाद में एज वी स्पीक। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? ये हिंदुस्तानी रेलवे के लिए और पूरी इंडियन इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा कदम है, बहुत साहसिक है, और इसको कहते हैं इंडस्ट्री को इसको लीप फ्रॉगिंग इफेक्ट मिलेगा इससे। ओवरऑल टेक्निकल डेवलपमेंट, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, इसमें ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा कदम है और हम इंडस्ट्री से इसका बहुत स्वागत करते हैं। सर आपको लगता है कि एक तो जो समय सीमा तय की गई है उसके भीतर ये कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही आपको लगता है कि इससे एक नए युग या फिर एक नए स्पेस की शुरुआत होगी जहां तक भारतीय रेल का सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जहां तक समय सीमा का सवाल है ये बिल्कुल लाइकली है कि ये समय सीमा के अंदर ही होगा। अगर कोई लैंड वगैरह को लेके थोड़ी बहुत लैंड बहुत ज्यादा इसमें लगेगी भी नहीं, और कोई डिस्प्यूट वगैरह हुआ तो दैट माइट डिले की कुछ टू डेज हेयर एंड देयर, लेकिन ओवरऑल टाइमलाइन ठीक है और बहुत बड़ा कदम है ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए। टेक्नोलॉजिकली बुलेट ट्रेन का हमें हम लोगों को कुछ अनुभव भी है, तो वी नो दैट व्हाट ए प्रोफाउंड इफेक्ट इट विल हैव ऑन द इंडियन इंडस्ट्री, काफी आगे की तरफ ले जाएगा ये। तो इस समय अब जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे संबोधित कर रहे हैं लोगों को वहां पे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू होगा। लेकिन ओवरऑल मिस्टर चौधरी, एक जो थोड़ी आई वुड से कॉन्ट्राडिक्शन इस समय देखने को मिल रहा है वो ये भी है कि एक तरफ हम बुलेट ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है वो अभी भी काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म। तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर जितनी योजनाएं लॉन्च हुई हैं इन सबको लेकर वो अभी तक एट ग्राउंड लेवल तब्दील नहीं हो पाई है इन एग्जीक्यूशन? ये बुलेट ट्रेन जो बन रही है ये तो एक अलग कंपनी बना रहे हैं और अलग इसकी फाइनेंसिंग स्कीम बन रही है, इसलिए इसको दूसरे से मिक्सअप नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ दी वेरी नेचर। लेकिन जहाँ तक आप बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेन को, एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम को मॉडर्नाइज और किया जाए और सेफ्टी कॉन्शियस बनाया जाए, वो एकदम इंटायरली इंडिपेंडेंट स्टेप है, वो तो हमें करना ही चाहिए। और रेलवे इज ऑलरेडी, मंत्री जी ने स्पीच में भी ये कहा है और नए मंत्री जी गोयल जी ने भी काफी इसके ऊपर एम्फसाइज किया है कि सेफ्टी और पैसेंजर कन्वीनियंस इनको हम काफी ध्यान देंगे। तो वो दोनों, अगर सपोज ये बुलेट ट्रेन की फंडिंग मेजर पार्ट जापान से आती है तो वो फंडिंग से मॉडर्नाइजेशन का या रिन्यूअल का कोई कनेक्शन नहीं है, वो हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कई वैकेंसी है, वो वैकेंसी फिलअप करनी पड़ेगी सेफ्टी रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से जब ये बुलेट ट्रेन आ रही है तो इसके साथ साथ ओवरऑल रेलवे का इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ चलेगा। जी थैंक यू वेरी मच चौधरी जी फॉर टॉकिंग टू अस हियर ऑन जी बिजनेस। आइए चलते हैं सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हरिराम है हमारे साथ दिल्ली से ही, नमस्कार हरिराम जी। नमस्कार सर जी, क्या सवाल है आज का? सर मेरा इंडिया बुल वेंचर पे है। ओके कब लिया आपने? 500 शेयर होल्ड कर रहा हूँ मैं 12 रुपए के रेट से। ओके जिसमें से 100 मैंने कल बेच दिए हैं, तो मैं बाकी रखूँ या अभी होल्ड करके रखूँ? आपने 12 रुपए में लिया ये? हाँ जी 12 रुपए में लिए थे, मैंने इसके डिविडेंड यील्ड देखी थी 6% थी उस टाइम पे। तो मैंने डिविडेंड यील्ड देख के फिर इसका बिजनेस देख के मैंने कहा चलो निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो डिविडेंड यील्ड में पैसा तो पूरा हो ही जाएगा। आपने तो काफी अच्छे खासे पैसे बनाए इसमें।
जी मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी है 60 रुपए के रेट पे। अच्छा इंडिया बुल्स रिटेल हाउसिंग भी है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा वेंचर्स कह रहे हैं तो शायद कुछ शाहिना आपके पास चलते हैं, ये इंडिया बुल वेंचर्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों पर क्या राय है आपकी? देखिए मेरे दोनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इंडिया बुल्स वेंचर की बात करें, जैसे आपने कहा बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रिटर्न मिला है। अगर एक साल मतलब 6 महीने पहले स्टॉक वाज अराउंड 20 रुपीज़ और अभी इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 275 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अभी भी मेरे हिसाब से और अपसाइड है, क्योंकि जो नंबर्स है यहाँ से बेस इफेक्ट बहुत छोटा है, तो और वेल कैपिटलाइज कंपनी है, तो ये डेफिनेटली होल्ड है और यहाँ से अपसाइड और दिख सकते हैं। और डेफिनेटली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी अच्छा ही है, बिकॉज वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सो आई थिंक दोनों कंपनीज अभी भी होल्ड बनते हैं। बिल्कुल, चलिए तो आपके लिए यही सलाह है। अब गुजरात में भावनगर चलते हैं, जहां से दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल था एफएसएल पर, 1000 शेयर मैंने खरीदे हैं, तो क्या करना चाहिए सर? अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी रुक सकता हूँ सर? नहीं, लेकिन आपने जब लिया था तब आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया था? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। मेरे 2-3 साल तक लिया था सर, ऐसा सोचा था 2-3 साल तक रखूंगा सर। चलिए 2-3 साल के लिए लिया था तो अच्छी बात है। शाइना 2-3 साल के लिए लिया है इन्होंने फर्स्ट सोर्स, लेकिन फिलहाल ऑलरेडी इन्हें मुनाफा हो रहा है 21% का, तो शुड ही वेट 2-3 साल या फिर बुक कर ले अभी? मेरे हिसाब से रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मतलब रिटर्न्स मतलब उनका जो नंबर्स है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और मैनेजमेंट भी अभी आई थिंक देयर इज अ रिवैम्प इन मैनेजमेंट, तो उस हिसाब से अभी होल्ड कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म।